हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज की वीडियो रहने वाली है टोयोटा अर्बन क्रूजर हाई राइडर के ऊपर। तो सबसे पहले बात करते हैं कार के बेस मॉडल की प्राइस की। बेस मॉडल आता है इसका ई न्यू ड्राइव 13,14,000 ऑन रोड जयपुर के अंदर, और वी हाइब्रिड आता है इलेक्ट्रिक प्लस पेट्रोल वाला, वो आता है 22,18,000 के आसपास कार का। तो कार में मेनली जो है लाइटिंग फीचर्स है इस कार के अंदर, जो इसके हाइब्रिड फीचर्स वाले वेरिएंट के अंदर, ये है कि इसका जो 10-11 से कम की स्पीड में आप देख सकते हैं ऑटो मतलब मैटी अपने बैटरी से चल जाती है, उसके बाद ये क्या बोलते हैं अपने इंजन से चलती है कार, तो बैटरी से भी चलती है। तो इससे आपको माइलेज एफिशिएंसी वगैरह बहुत अच्छी खासी देखने को मिल जाती है, उसके अपन वीडियो के अंदर बात करेंगे कार के अंदर। सबसे पहले बात करते हैं कार के फ्रंट लुक की। फ्रंट के अंदर आपको ऐसे ही कुछ आपको इसके अंदर ग्रिल देखने को मिल जाती है मैट कार्बन फाइबर वाली, और ये हेडलैम्प देखने को मिल जाता है अपने को, प्रोजेक्टर प्लस LED सेटअप इस कार के अंदर देखने को मिल जाता है अपन को, और साइड में क्रोम की जो है इस कार के अंदर सराउंडिंग कर रखी है कार के अंदर, और इसके मतलब एरोडाइनिक टाइप का इस कार का डिजाइन देखने को मिल जाता है। और बात करें अपन इसकी DRL की, DRL भी आपको इससे अच्छी मिलेगी। ग्रैंड विटारा सी हम ली भी हम अर्थनी टोयोटा की गाड़ी, लेकिन डिजाइन वाइज आपको अच्छी खासी देखने को मिल जाती है। अलॉय व्हील का भी डिजाइन अच्छा खासा देखने को मिल जाता है, 17 इंच जो है इसका अलॉय व्हील का साइज देखने को मिल जाता है अपन को। साइज से अगर बात करें कार की ओवरऑल लुक तो ऐसी कुछ निकल जाती है, ज़्यादा बड़ी तो नहीं, लेकिन किया और क्रेटा इस टाइप की सी आपको लगती है। स्कॉर्पियन वगैरह से थोड़ी छोटी देखने को मिलेगी, स्कॉर्पियन और XUV 700 से थोड़ी छोटी देखने को मिलेगी, लेकिन ये पेट्रोल के अंदर आपके लिए अच्छा खासा जो है पैकेज निकल के आ सकता है कार। साइड में अगर अपन को लुक की बात करें तो साइड से आपको मतलब आगे से पीछे से आपको लग नहीं सकता ये ग्रैंड विटारा है, थोड़ा चेंजमेंट करें ऐसे नहीं कि बिल्कुल सेम टू सेम कार को कॉपी करती है। पीछे देख सकते हैं क्वार्टर पैनल वगैरह देख सकते हैं कार के, साइड पेट्रोल का फ्यूल लीड वगैरह दे रखा है कार का, रियर साइड का जो है लुक इसके अंदर और शार्प फिन एंट्री दे रखा है कार के अंदर, रूफ रेंज दे रखे हैं बिल्कुल छोटे से कार के अंदर, ग्लास एरिया आपको अच्छा खासा देखने को मिलेगा। इसकी बात करें तो भी बिल्कुल स्लिम टाइप की सी इसके रियर की लाइट्स देखने को मिल जाती है, वाइपर डिफोगर आपको पीछे देखने को मिल जाते हैं कार के अंदर। टोयोटा का ब्रांडिंग अर्बन क्रूजर हाई राइडर, ये नाम थोड़ा ज़्यादा बड़ा लिख दिया, हाई राइडर भी नाम इसका चल सकता था। इसका टॉप मॉडल आता है वी, और नीचे आप बात करें बम्पर वगैरह की तो आपको सिल्वर की जो है स्कर्टिंग टाइप की आपको दे रखी है कार के अंदर, और स्पॉइलर भी छोटा सा आपको देखने को मिल जाता है। आपको एक बार क्लोजर व्यू भी दिखा देता हूँ कार का, पीछे की लाइट वगैरह का डिजाइन LED टाइप का अपन को इस कार के अंदर डिजाइन देखने को मिल जाता है। नीचे वी हाइब्रिड रखा है जो इस कार का टॉप मॉडल रहने वाला है। लाइट्स के साइड में आपको क्रोम कलर की पट्टी भी देखने को मिल जाती है, जो कि लुक को कहीं ना कहीं इंक्रीज इन्हेंस कर रही है कार को, और रिवर्स पार्किंग कैमरा और सेंसर भी देखने को मिल जाते हैं। 360 डिग्री कैमरा भी देखने को मिलता है अपन को इस कार के अंदर, पीछे एक टोइंग हुक भी दे रखा है कार के अंदर। ऊपर से बात करें अपन को इसके अंदर पैनारोमिक सनरूफ देखने को मिल जाता है, और ये इसके जो रूफ है उसका डिजाइन चार टाइप का, मतलब ये सही से डिजाइन कर रखा है एरोडाइनमिक टाइप का। और अब बात करें कार के अंदर की साइड की, चलते हैं अंदर की साइड। अगर हम बात करें स्टेयरिंग की, स्टेयरिंग भी अपन को वैसे देखने को मिल जाता है, लेकिन टोयोटा की ब्रांडिंग से आपको थोड़ी फील है वो अलग देखने को मिल जाएगी। और बात करें इसके स्टेयरिंग व्हील्स के मतलब कंट्रोल्स के, तो अपन को सारे स्टेयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स देखने को मिल जाते हैं कार के अंदर। एयरबैग भी देखने को मिलेगा कार के अंदर, क्रूज कंट्रोल भी देखने को मिल जाएगा, वॉल्यूम के भी देखने को मिल जाएंगे। स्पीडोमीटर अपन को डिजिटल दिखता है इसके अंदर, अपन को इकोनॉमिक वगैरह माइलेज इकोनॉमी वगैरह RPM और जो बेसिक जो यूटिलिटीज़ के फीचर है व्हीकल इन्फो वगैरह अपन को देखने को मिल जाता है कार के अपन अंदर। बात करें इसके डिस्प्ले फीचर्स की, तो एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कारप्ले और 360 डिग्री कैमरा भी देखने को मिल जाता है, जो आपको अच्छी खासी नेविगेट कर देगा। इसके अगर हम कंसोल की बात करें गियर नॉब की, तो ऐसा अपन को कुछ इसका डिजाइन देखने को मिल जाता है। USB टाइप का अपन को चार्जिंग सॉकेट दे रखा है इसके अंदर, ट्रैक्शन कंट्रोल का दे रखे हैं, AC कंट्रोल दे रखे हैं, स्नो और स्पोर्ट्स मोड दे रखा है कार के अंदर, ड्राइव मोड्स जो अपन इनको लॉक भी कर सकते हैं ड्राइव मोड्स को। और अपन इसकी कंसोल की बात करें तो अपन को वायरलेस चार्जिंग मिल जाता है, 120 वोल्ट का अपन को टाइप सी चार्जिंग देखने को मिल जाता है, जो कि आपके लिए अच्छा खासा बेनिफिशियल रहने वाला है। और इसके AC की बात करें अपन को ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल देखने को मिल जाता है कार के अंदर। ये इसके AC का कुछ डिजाइन है सेंट्रल कंसोल के ऊपर, क्योंकि बिल्कुल अच्छी खासी क्वालिटी का जो है इस्तेमाल कर रखा है इस कार के अंदर। हेड्स अप डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी अपन को, जो कि आपको नाइट टाइम में कन्वीनियंस रहेगी इसकी। और नाइट टाइम का एक बार लुक भी दिखा देता हूँ आपको कार का, ऐसा कुछ है जो इसमें नाइट टाइम का लुक रहने वाला है, एम्बिएंट लाइट वगैरह आपको इस कार के अंदर देखने को नहीं मिलेगी। तो ऐसा ही कुछ जो स्टीयरिंग ये वही व्हील है या बटन से उन पर जो आपको लाइट्स का इस्तेमाल कर देखने को मिलता है, जिससे आपको नेविगेशन में आसानी रहेगी बटन वगैरह के लिए। ये इसका डैशबोर्ड का लुक देखने को मिल जाता है, कूल्ड ग्लव बॉक्स अपन को देखने को मिलेगा कार के अंदर, डैशबोर्ड ग्लू फ्लैट टाइप का देखने को मिलेगा। और सीट्स की अगर बात करें तो वेंटिलेटेड सीट्स का अपन को इस कार के अंदर ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जो कि अच्छी खासी बात है। सीट्स का भी जो डिज़ाइन है वो अच्छा खासा है, आपको
होल्ड करके रखती है सीट्स। 4x4 ऑल व्हील ड्राइव को भी कार के अंदर ऑप्शन देखने को मिल जाता है। ये कार का रियर सीट, जिनका रिक्लाइन की अगर बात करें तो ठीक ठाक सा अपन को कार के अंदर रिक्लाइन देखने को मिल जाता है, और आर्मरेस्ट वगैरह देखने को मिल रहा है अपन को। और इधर बूट की अगर बात करें तो यहाँ से आप 60-40 स्प्लिट कर सकते हैं बूट में। अगर बताऊँ मैं स्पेस 265 से 373, ये मैंने ऐसे क्यों बोला क्योंकि 265 है बैटरी वाले, इसके अंदर बैटरी की प्लेसमेंट दे सकते हैं आप, वो भरा हुआ है वो बैटरी की प्लेसमेंट है। वैसे नॉर्मल मॉडल में 373 लीटर का अपनों कार के अंदर बूट स्पेस देखने को मिल जाता है। एक बार ओवरऑल और दिखा देता हूँ आपका, जो कार का इंटीरियर जो आपको कन्फ्यूजन और डाउट्स और क्लियर हो जाए कार के। ऐसे कुछ अपन को विंडोज से कंट्रोल देखने को मिल जाते हैं, थोड़े ऊपर की साइड आपके अपराइट जो ड्राइविंग करते वक्त आपको आसानी रहता है, ऐसे नी फ्लैट नहीं, थोड़े ऊँचे हैं जो आपको लॉन्ग टर्म में आपको बेनिफिशियल रहने वाले हैं। और ये इसके कंट्रोल्स देखने के देख सकते हैं आप कार्स के, और गियर नॉब, डैशबोर्ड का डिज़ाइन, ओवर वीम अपन को इलेक्ट्रिकली मिलेगा, और साइड में अपन को वैनिटी विंडर भी अपन को देखने को मिल जाता है कार के अंदर। ये इसके हेडरेस्ट वगैरह का डिज़ाइन देख सकते हैं, सीट्स का डिज़ाइन देख सकते हैं। नीचे थोड़ा सा हम देखने को मिलेगा एसी वेंट देख सकते हैं बीच में, और आर्म रेस्ट भी दे रखा है कार के अंदर। तीनों अपन को हेड रेस्ट हैं जो कार के अंदर देखने को मिल जाते हैं। हेड रेस्ट की अगर बात करें तो अपन को हेड रूम में इस कार में थोड़ी बहुत कमी देखने को मिलेगी क्योंकि ऊपर से थोड़ा हमसा आ रखा है, तो हेड रेस्ट में आपको कमी मिलेगी। एयरबैग की अगर बात करें तो कार के अंदर अपन को 6 एयरबैग देखने को मिल जाते हैं, जो कि आपको अच्छे खासे सेफ्टी प्रोवाइड करने वाली है ये कार। और अपन बात करें सनरूफ की, तो ये इसके सनरूफ का डिज़ाइन ऐसा कुछ निकल के आने वाला है, और साइड में आपको लाइट देखने को मिल जाएगी जो कि येलो कलर की लाइट्स इस कार के अंदर देखने को मिल जाती है। एलईडी लाइट्स नहीं है इसके अंदर वाली साइड। तो अब बात करते हैं कार के ओवरऑल कंक्लूजन की, तो इसके जो कमियां है वो बताता हूँ मैं पहले। सबसे पहले रियर के अंदर अपन को हेड रूम है वो कम देखने को मिल जाता है इस कार के अंदर, और हाइब्रिड बैटरी है उसका जो बूट में स्पेस करा है वो थोड़ा मतलब दिक्कत हो सकती है, जिससे थोड़ा बहुत बूट स्पेस कम हो चुका है कार के अंदर। और अपन अच्छाई की बात करें तो इस कार का सस्पेंशन बहुत अच्छा खासा रहने वाला है हर टाइप की रोड पे, और हाइब्रिड सिस्टम बहुत अच्छा काम करता है इस कार का, जिससे आपको अच्छी खासी फ्यूल एफिशिएंसी देखने को मिल जाती है। और पावर बात करें अपन को सिटी वाइज और हाईवे वाइज, मतलब आपको अच्छी खासी इस कार के अंदर पावर प्रोवाइड करी जा रही है, तो पावर वाइज अच्छी कार। अगर आपको पेट्रोल में लेनी है लॉन्ग टर्म के हिसाब से आपके लिए अच्छा खासा ऑप्शन निकल के आता है। अगर डीजल कार्स की अगर बात करें तो इतना लंबा खैर फ्यूचर नहीं है उसमें, BS6 फ्लूड वगैरह का ये ऑप्शन रहता है, तो ये भी आपको अच्छी खासी वैल्यू प्रोवाइड करने वाली है इसके टॉप मॉडल में। आपके जो इसके हाइब्रिड्स वगैरह वाले वेरिएंट्स है उनको आप जाके ट्राई कर सकते हैं, आपको अच्छा खासा माइलेज जो है कार प्रोवाइड करेगी। फीचर्स आपको सारे देखने को मिल जाते हैं कार के अंदर, सेफ्टी भी आपको अच्छी खासी है और स्पेशियस भी है ठीक ठाक कार, और रोड पर जैसे आपको अच्छी सी देखने मिल जाती है इस कार के अंदर। थोड़ा ये इसका इंजन है, इसमें इंजन कई सारे ऑप्शन तो मैं आपको इसमें अंदर आपको फिर जो है आपको बढ़ाकर दे देता हूँ कि इसके अंदर इंजन के स्पेक्स वगैरह। और माइलेज की अगर बात करें तो अपन को इसके अंदर कंपनी क्लेम करती है 27 कुछ का माइलेज क्लेम करती है। ये इसका हाइब्रिड सिस्टम रहने वाला है कार का, जो कि आपको मोस्ट जो फ्यूल एफिशिएंसी देने वाला। ये था आज वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।